है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज एट पॉइंट वन का पढ़ेंगे क्वेश्चन सिक्स पिछले बाकी फाइव तक पिछले बना चुके हैं अगर नहीं देखा तो प्लीज पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए इसमें गिवेन दिया है कोस को बी कोसे कोस बी इसमें गिवेन दिया है इसमें शो करना है कौन है कौन भी यहाँ पे वन यू हैव टू शो ऑनली क्या शो करना है कौन ए इक्वल कौन भी एम ये शो करना है शो करना है ना कोस ए कोस बी कोस ए का फोन लगा होता है अपोन एच कोस बी का बी अपन एच बी अपन एच ये होता है ना फिगर ड्रा कर लेते हैं कर लिया यहां पे तो कौन बोल रहा है कौन ए कौन बी और कौन सी एंगल है कौन ए कौन बी तो सी क्या हो गया राइट एंगल कौन से क्या होगा राइट एंगल और बी अपॉन ना बी अपॉन एच ये क्या है कोश से कोश कौस बी को से कोस बी यही है ना तो कोस ए कोस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा कोस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा पिछले जो कौन बोला कर कोस ए बोला तो उसका ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर तो इसका ये क्या है परपेंडिकुलर तो बेस क्या है ये क्या होता है बेस अपॉन एच बेस कितना ए सी एच कितना है ए बी क्या है कोस्ट भी कस का परपेंडिक्लॉर कौन होगा ये होगा क्योंकि अपोजिटा ही ना है तो ए सी और एच क्या है ए बी ए कट गया क्या बच्चा ए सी इक्वल एक। नहीं नहीं बी सी होगा सॉरी यहाँ पे बी सी होगा क्योंकि अगर यह है तो बेसी है ए सी इसी तो मेरा परपेंडिकुलर ना है यहाँ बी ना होता है बी अपोन एच ना बी अपोनेस होता है तो मेरा परपेंडिकुलर होता है इसी कह सकते ये ना होगा बेस बी सी अपोन ए बी तो बच्चा बी सी और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में और आपने कक्षा नाइन्थ में पढ़ा होगा कि पढ़ा होगा कि जब ट्रेंगल के जब ट्रिंगल के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उसका क्रस्पोंडिंग एंगल भी आपस में बराबर होते हैं यह कौन ए इक्वल कौन बी ये यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा राइट आंसर हुआ